दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बॉडी बनाने के लिए कैसा आहार लेना चाहिए उसके बारे में जानकारी। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला आता है प्रोटीन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। आपके शरीर को लगभग 1.75 ग्राम पर केजी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मतलब अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको लगभग 105 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आपके शरीर में मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। आप प्रोटीन मांसाहारी व्यक्ति है तो अंडा, चिकन, मटन, मछली इत्यादि से ले सकते हैं। इनसे प्रोटीन आसानी से प्राप्त हो जाता है। अंडे के सफेद भाग में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। अगर आप शाकाहारी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बॉडी नहीं बना पाएंगे, आप भी बॉडी बना सकते हैं। शाकाहारी व्यक्ति अपने आहार में सोया, टोफू, काला चना, काबुली चना, दूध, छाछ, दही, पनीर, चीज, मूंगफली, दालें, ओट्स, बादाम इत्यादि को शामिल कर सकते हैं। इनमें प्रोटीन होता है। शाकाहारी प्रोटीन का जो आहार होता है उसमें फैट अधिक रहता है, इसलिए मोटापा बढ़ने का खतरा रहता है। इसलिए आपको इस आहार के साथ पेट कम करने का व्यायाम भी करना होगा। मांसाहार में प्रोटीन के साथ प्रोटीन के सभी एमिनो एसिड्स भी होते हैं, पर शाकाहार में नहीं होते हैं। ऐसे में आप सब्जी और अनाज को आपस में मिलाकर ये कमी दूर कर सकते हैं। यानी कि एक कटोरी दाल के साथ आप ओट्स भी मिला सकते हैं, या सोयाबीन के साथ अंकुरित मूंग दाल या चना मिला सकते हैं, तो इससे आप प्रोटीन की पूर्ति कर सकते हैं। सेकंड आता है दोस्तों तरल पदार्थ। हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बेहद आवश्यक है। आप कसरत में जितना पसीना बहाते हैं उतना ही पानी की आपको आवश्यकता होती है। बॉडी बिल्डर्स को रोजाना 10 लीटर तक पानी पीने की आवश्यकता पड़ सकती है। जीभ का सूख जाना, चक्कर आना, पेशाब का रंग पीला होना, प्यास लगना, ये सब शरीर में पानी की कमी के लक्षण है। ऐसे लक्षण नजर आने पर पानी पीना चाहिए। थर्ड आता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स। बॉडी बनाने के लिए आपको प्रोटीन की ही आवश्यकता नहीं होती, बल्कि कार्बोहाइड्रेट्स भी जरूरी है। बॉडी बनाने के लिए मसल्स का निर्माण करने के साथ शरीर को ऊर्जा की भी जरूरत होती है, जो कि आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स के उदाहरण लें तो ओटमील और शक्करकंद सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आप दोस्तों एक बात ध्यान रखें, चीनी या शुगर का इस्तेमाल कम से कम करें। इसमें केवल कैलोरीज होती है और कोई पौष्टिकता नहीं होती है। चीनी की जगह पर कार्बोहाइड्रेट्स के लिए फल खाना उत्तम रहता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों फ्रूट्स, यानी कि फल। बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन के साथ विटामिन की भी जरूरत होती है, और अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहते हैं तो भी आप फल खा सकते हैं। सेहत बनाने के लिए केला और सेब सबसे अच्छा फल है। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, तो आप फल को भी अपनी डाइट में शामिल करें। नेक्स्ट आता है दोस्तों भूरे चावल, यानी कि ब्राउन राइस। अधिकतर भारतीय घरों में सफेद चावल का उपयोग होता है। जो लोग अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं उन्हें सफेद चावल की जगह आहार में ब्राउन राइस का इस्तेमाल करना चाहिए। सफेद चावल की तुलना में ये अधिक पौष्टिक होता है। भूरे चावल में फाइबर, प्रोटीन और विटामिन अधिक होते हैं, और इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होने से शरीर को धीरे धीरे ऊर्जा मिलती रहती है। तो दोस्तों ये तो था आपको डाइट में क्या शामिल करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि आप कैसा आहार ले सकते हैं। दिन में 2 बार बड़े बड़े आहार लेने की जगह आप 4 से 5 बार थोड़ा थोड़ा करके खाएं। व्यायाम करने के 1 घंटा पहले 2-3 केले, 1 गिलास दूध, चीनी की जगह शहद मिला लें और उसका सेवन आप कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप आलू या ताज़ा दही भी ले सकते हैं। एक्सरसाइज के 15 मिनट पहले आप 1 गिलास किसी भी मौसमी जूस या कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कसरत के बाद आप दलिया खा सकते हैं या फिर ओट्स खा सकते हैं। बेसन के लड्डू आप खा सकते हैं। 2 केले, 1 चम्मच पनीर बटर और 100 ग्राम पनीर या मूंगफली आप खा सकते हैं। दोपहर के समय 100 ग्राम सोयाबीन और मूंग के भीगे हुए दाने, लहसुन और प्याज डालकर सब्जी के साथ 1 गिलास छाछ को आप पी सकते हैं। रात का खाना हल्का लेना है। हरी पत्तेदार सब्जी, सलाद, फल, भूरे चावल आपको शामिल करने हैं रात के खाने में। रात को सोने से पहले आप 1/2 लीटर गर्म दूध पी सकते हैं। आहार में कभी भी सूखा मेवा और फल आप एक साथ खा सकते हैं, कभी भी आप खा सकते हैं, और इसी तरह आप अपनी डाइट में बदलाव भी करते रहें। दोस्तों एक बात का ध्यान दें, कभी सोयाबीन बढ़ा दें तो कभी दूध, कभी पनीर, ऐसे ऊपर नीचे करके चलते रहें। सोयाबीन की मात्रा कम से कम इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये था एक अच्छी बॉडी बनाने के बारे में जानकारी। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल
जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।